मेरा आज क्या डेट है, 16 17 17 हो गई है, मतलब 16 ही है, नहीं हाँ 17 है, ठीक है 17 17 17 है, कितनी बार 17 बोले कि भाई 17 है। तो आज जो भी है अगस्त है, 17 अगस्त, अब एक्टिव होंगी एनी हाउ, अगले जन्म में एडिट कर देंगे, पर अब जो होंगे वो नई जन्म की नई वीडियोस को एडिट करेंगे, तो ओके बाय। मरते बची, मैं कैसे पागल चुहिया जैसी बैठी हूँ। तो यार सब लोग कहते हैं आपके मैं बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं हूँ भाई बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मतलब छोटी सी बड़ी फ़ैन हूँ। तो आज हम ना गाड़ी चला के आ रहे थे, इतनी तेज़ एक अंकल गाड़ी लेके आया, मेरी गाड़ी हमने जब ब्रेक मारा तो ऐसे हो गए भैया, मुझे तो एकदम खौफ ज़्यादा हो गई, मैं खौफ में आ गई सच में। और तो हाँ जो मेन टॉपिक था, अभी नाक पर खुजली हो रही है। हाँ तो मेन टॉपिक ये था, मेन टॉपिक अरे यार क्या था, स्वाइपर में स्वाइपिंग, अरे यार मेन टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक ये था आज दिल की दिल दिया गल्ला विद गरिमा के साथ हम करना चाहते हैं। हम धीमे धीमे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी सिस्टर के आए हैं, अभी वो लोग ऑफिस से आए नहीं और बगल में सब काम कर रहे हैं भैया लोग, तो शर्म आ रही है। आई एम अ सोशल, जो भी फोबिया ऐड कर लो, मुझे सोशल एंजाइटी होती, कुछ भी ऐड कर लो तो मतलब ऐसा है। तो मतलब यार ये मतलब ज़िंदगी से कब ख़त्म हुआ मेरा। तो हाँ दिल दिया गल्ला हम करना चाहते हैं। अब आप बताओ कि एक बंदा मतलब जिसके छोटे छोटे दोनों कंधों पर उसकी फैमिली का बोझ हो, चुप बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर, ठीक उसको काम करना होता है ऑफिस का, उसको टिफिन बनाना पड़ता है, उसको साफ सफाई करनी पड़ती है, उसको अपनी बहनों के घर भी जाना होता है क्योंकि उसको मन करता है, वो अपने घर के रिश्तों को भी चलाना चाहता है, और उसके फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके उसके अंदर स्टैमिना होता है, वो अब वो बंदा स्केटिंग सीखता है ऑफिस के बाद, ठीक है वो कंटिन्यू चल ही रही है कभी कभी, अब क्योंकि अब मेरी बॉडी एकदम मेरा साथ नहीं दे रही है, बीच बीच में मेरा एकदम ऐसा वो आ जाता ना कि मतलब क्या ही बोलूँ, बोलने को वो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि क्या हो जाता है, बीच बीच चले जाता है पता ही नहीं है। तो तो मतलब ओवरऑल मैं चाहती हूँ कि व्लॉग करूँ, मेरा चश्मा पड़ा तो, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती और सबसे ज़्यादा हेडेक तो तब हो गया, अब तो मैं जैसे माया जाल में फंस गई हूँ वीडियो के, फ़ोन में स्टोरेज फुल, गूगल स्टोर में गूगल स्टोर कह रही हूँ, गूगल फोटोज में स्टोरेज फुल 100%, मतलब मैंने ख़रीदा वो भी भर गया क्योंकि भाई एडिट नहीं कर पा रहे इंसान, एडिट करी है आधी एडिट की है, सो जाते हैं पर थक जाते हैं, फिर इतना छुट्टी मिलती उस दिन बीमार रहते हैं या तो कभी कहीं घूमने निकल जाते हैं, वीडियो बनाते हैं लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाते, मतलब क्या ही बताएं। लेकिन अब ये बंदा सोच रहा है कि ये करेगा वीडियो अच्छे से, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि अब मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ कि वीडियो अब पुरानी सारी सब डिलीट डेल, बस एक बटन ठक सब डेल, फिर मैं अब नई स्टार्ट। शॉप पे क्यों होते इतने ऊपर से काली कितनी आ रही वीडियो, ये स्याप पे कम है कि एक और स्याप पर ऐड हो रहा है कि मतलब क्या, मतलब चलो ठीक है मैं तो थक हो जाता है यार, कोई मेरी बातें ना सुन रहा, शीशा बंद कर दो। ऐसी कहानी थक गई हूँ ऑफिस से, तो ओवरऑल अभी झाड़ू लग रही है। तो मेरे मन की बात ये थी कि ठीक है फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है, तो फिर भी हम जारी रखेंगे अपनी
बकवास। तो ये है कि अपडेट ये है कि आप लोग प्लीज़ जितने भी लोग हो यार, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, तो थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाऊँ, मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम से मैं इतनी शूट कर रही हूँ, ड्राफ्ट में सेव कर लूँगी क्योंकि फ़ोन में तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, व्हाट्सएप तक नहीं चलता, मतलब एक बंदा क्या ही करे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में बने रहें प्लीज़। और यही है भाई, मतलब क्या है, आप एक्टिव होने वाले हैं तो प्लीज़ आप बने रहें। हाँ तो सजेशन दो, बताओ एक बंदा। हाँ मतलब हाँ, मेहनत कर रही हूँ यार, लेकिन अभी मेरा थोड़ा फैमिली का भी है ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वो लोग भी हेल्प करते हैं, लेकिन ओके बाय, बस ख़त्म, बाद में, बाय। लाइक कर देना, वॉच करना, बाय। तो अभी मैंने एक साफ साफ झूठ बोला, अपनी वीडियो देखी तो देखा कि मेरे छोटे छोटे कंधों पे सारा बोझ रखा है, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इस समय हम हो रखे हैं धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, ना बंदर तेरा ना अदरक तेरी, नाच न जाने बंदर तेरा अदरक जाने क्या है तेरा, मेरा जो भी है तेरा है पर मेरा है कुरकुरे हो रखा है मेरा जिंदगी, क्योंकि ना हम घर के काम में व्हाट आई फील कि हम ना घर पे प्रॉपर कुछ कर पा रहे, कपड़े मेरे पापा धुल देते हैं बेचारे, मतलब क्या इंसान बदतमीज लड़की, एक चपेट पड़े खुद को। ठीक है थोड़ा सा मार लेते हैं यार, क्या करें, टाइम नहीं मिलता, फिर वीडियो के लिए टाइम, मतलब फ़ोन में स्टोरेज फुल हो रखी है, उसको हम हटा नहीं पाते, अगर रात भर जागते हैं तो थोड़ा सा एडिट करके नींद आ जाती है, जो कि अधूरा अधकचरा काम। अगर ये मेरी डिक्शनरी से सही शब्द निकालें तो उसे कहते हैं अधकचरा काम, तो यहाँ पे एडिटिंग भी अधकचरी चल रही है, अपनी सिस्टर्स के यहाँ जाते हैं तो वो भी अधकचरा उनकी हेल्प करते हैं। ओवरऑल एक ऐसा जिंदगी बंदा जी रहा है जो पूरे आधे कचरे की जिंदगी जी रहा है, अध कचरा काम, प्रॉपर कोई काम सीक्वेंस ना हो पा रहे ना कर पा रहे हैं। ओके बाय, बस इतना ही, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब अध कचरी लड़की, बाय। पर जो मोटिव था वो तो हम बताना ही भूल गए, तो मोटिव इस वीडियो का यही है कि इतनी सारी कोशिशों और हार जीत के बाद भी अब हमने डिसाइड किया, आज क्या डेट है, 16 17 हो गई है, मतलब 16 ही है, नहीं हाँ 17 है, ठीक है 17 17, आज 17 है, कितनी बार 17 बोले कि भाई 17 है, तो आज जो भी है अगस्त है, 17 अगस्त, और 15 अगस्त आज़ादी के बाद से मैंने कुछ डिटर्मिनेशन, एक बड़ा भारी वर्ड यूज़ करके अब मैं ये काम कर रही हूँ कि अब एक्टिव होंगी एनी हाउ। और पुरानी वीडियो को तो मैं भूल ही जाती हूँ, वो किसी अगले जन्म में एडिट कर देंगे, पर अब जो होंगी वो नई जन्म की नई वीडियोस को एडिट करेंगे, तो ओके बाय एंड डू लाइक सब्सक्राइब, कितनी बार भी कहती हूँ आप प्लीज़ कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट करना, एक तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मैं हंसती खेलती हूँ यार, होता है इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हारना चाहिए, इंडिया फाइट बैक, सावधान इंडिया, ओके टाटा बाय बाय, ओके बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट बाय। ओ सॉरी शाहरुख सर, सलमान सर क्यों कहें, शाहरुख सर, मैं आपकी बहुत छोटी फैन हूँ, मतलब मैं हूँ छोटी, देख सकते हैं आप, मतलब कौन सा ना कि मतलब यार ये मतलब ज़िंदगी से कब ख़त्म होगा मेरा, तो मतलब ऐसा है।